અને જે રીતે ઓટો નંબર્સ જાહેર થયા છે, મારુતિના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે વાત કરીએ, પહેલાં એક નંબર્સ પર નજર કરી લઈએ. ઓક્ટોબર વેચાણ આંકડા કંપની દ્વારા જે પોસ્ટ થયા છે, અહીંયા કુલ વેચાણ કંપનીનું 5.1% ઘટ્યું છે અને અહીંયા ખાસ કરીને 1,67,000 યુનિટ્સ પર આપણને પહોંચતું દેખાઈ રહ્યું છે. તો આ અંતર્ગત મારુતિ સુઝુકીના સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર અને માર્કેટિંગ સેલ્સ શશાંક શ્રીવાસ્તવ સાથે આપણે વાત કરીએ. શશાંકજી, સબસે પહેલે હમ જાનના ચાહેંગે નંબર્સ કે ઉપર આપકે ઓપનિંગ કમેન્ટ્સ ક્યા રહેંગે. देखिए, अक्टूबर का महीना रिटेल के लिहाज से काफी अच्छा रहा और रिटेल का एस्टिमेट इंडस्ट्री में करीब 3,68,000 है. होलसेल का नंबर जो है, का आंकड़ा जो है 3,38,000 के नजदीक है. तो अगर आप सितंबर की रिटेल, अक्टूबर की रिटेल की बात करें, तो ये 6 महीने बाद ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि रिटेल के नंबर्स जो है वो होलसेल से ज्यादा हुए हैं. लिहाजा जो स्टॉक लेवल है इंडस्ट्री में वो अब थोड़े से कम हुए हैं. ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री में स्टॉक लेवल था नेटवर्क में, वो 2,40,000 था, जो अब घट के 2,05,000 के लगभग हो गया है. तो अच्छा महीना था रिटेल के हिसाब से. और होलसेल में हाँ, और अच्छा हो सकता था, लेकिन कुछ कॉन्स्टेंट्स जैसे सेमीकंडक्टर के मुताबिक चल रही हैं, वो अभी भी बरकरार है, लेकिन बेहतर जरूर हुई है सिचुएशन. ठीक है. और शशांक जी, जैसे सेमीकंडक्टर के बारे में आपने बताया, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, और रिस्पांस की अगर बात करें तो न्यू हाइब्रिड मॉडल्स का क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? मुझे मैं अगर नजर बताऊं आपको, तो ये जो सेमीकंडक्टर की जो हालात हैं वो लगभग 95% तक ठीक हो चुकी है, और वही हमारा प्रोडक्शन के प्लान जो है उतना हम कर पा रहे हैं. कुछ मॉडल्स जरूर ऐसे हैं जहां पे अभी भी ये बरकरार है जो मसला है, और ये इस यही वजह है कि कुछ मॉडल्स हैं जहां पे वेटिंग पीरियड अभी भी काफी लंबी हैं और पेंडिंग बुकिंग्स भी इंडस्ट्री में काफी हैं. अब मारुति सुजुकी की पेंडिंग बुकिंग्स की अगर मैं आपको बात करूं, तो 1 नवंबर को ये करीब 3,88,000 के करीब बुकिंग्स हैं. तो बेहतरी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो हालात हैं वो और भी बेहतर होंगे. जी, और नेक्स्ट पूछना चाहूंगी सर, एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि एक कम डिमांड यहाँ पर हम देख रहे हैं, बीट 2-व्हीलर और 4-व्हीलर, तो यहाँ पर आपके क्या प्लानिंग्स रहेंगे मिड सेगमेंट को लेकर? देखिए, दोनों बातें आप सही फरमा रहे हैं. एक तो ये कि जो एंट्री लेवल सेगमेंट है उसमें अगर आप गुज़िश्ता 3 सालों की बात करें, तो उसमें जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है वो कम हुआ है. जो इसकी जो प्राइसेस हैं वो रेगुलेटरी स्ट्रिंजेंसी की वजह से, टैक्सेस की वजह से, कमोडिटी प्राइस इंक्रीज की वजह से थोड़ा ज्यादा बढ़ी है एज ए परसेंटेज ऑफ द प्राइस. और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे जो कंज्यूमर है वो का उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो बड़ी हाई है, यानी वेरी सेंसिटिव टू प्राइस इंक्रीजेस. तो यही वजह है कि इसमें हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है. लेकिन एक चीज और मैं आपको यहाँ पे वाजे कर दूँ कि ये जो सेगमेंट है ये अभी भी बहुत लार्ज सेगमेंट है. इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 महीने की अगर आप जिक्र करें, तो इसमें अब 33-34% से अब ये सेगमेंट दोबारा 37% के करीब हो गया है. और इसकी वजह भी ये भी है कि हमने कुछ बाउंस बैक देखा है इस सेगमेंट में, खासकर जब से हमारी ऑल्टो K10 लॉन्च हुई है. और ऑल्टो एक अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री की जो टॉप मॉडल है वो एक छोटी कार ऑल्टो है. और यही चीज हमने सितंबर में भी देखी, जब ऑल्टो करीब 24-25 हजार गाड़ी बिकी थी और वो नंबर 1 था इंडस्ट्री में. और वही हमने अक्टूबर में भी देखा, करीब 22-23 हजार गाड़ी का नंबर था ऑल्टो में, और वो फिर इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी हुई. तो कुछ इंप्रूवमेंट है, लेकिन हाँ, साथ ही साथ ये भी कहना पड़ेगा कि SUV का जो शेयर है वो बढ़ गया है, वो करीब 43% हो गया है. और हमारा जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो मैंने आपको पहले भी बताई, कि हमारी कोशिश है कि जो बाजार में जो हिस्सेदारी हमारी वो 50% की तरफ जाए, उसके लिए हमने लोकेट किया कि हमें SUV सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा. और यही वजह है कि हमने नई विटारा लॉन्च करी,
और हम आगे आने वाले दिनों में और भी SUVs भी लॉन्च करेंगे ताकि हम इस सेगमेंट में भी अपना बाजार की हिस्सेदारी बढ़ा सकें। जी, और शशांक जी, नेक्स्ट एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में मैं पूछना चाहूँगी। जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा है काफ़ी अच्छी एक्सपोर्ट यहाँ पर रही है कंपनी की, मारुति की, तो इस साल एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हो सकता है और वो इस बात पे मशरूत है कि किस किस मुल्क में जो है ये एक्सपोर्ट हो रहा है। जहां तक मारुति सुजुकी का सवाल है, हमने पिछले साल एक रिकॉर्ड 2,38,000 का आंकड़ा पार किया था एक्सपोर्ट्स में, और हमें उम्मीद है कि ये साल भी हम उससे ज्यादा ही जो है अचीवमेंट करेंगे। अभी हमारी ऑर्डर बुकिंग एक्सपोर्ट्स की भी काफी अच्छी है, और अब आगे देखना जरूर है कि आगे जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो माशी हालात हैं बाकी मुल्कों के, वो किस तरफ मोड़ लेते हैं। जी, और सर डिमांड के बारे में अगर बात करें गोइंग फॉरवर्ड, आपको कैसे लग रही है, मतलब पोस्ट फेस्टिव डिमांड के बारे में आपको लग रहा है कि अभी ये शुरू हो गई है? जी देखिए, एक ऑर्डर बुकिंग जो इंडस्ट्री में वो काफी अच्छी है, और जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले जिक्र किया कि सेमीकंडक्टर की जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, तो हमें उम्मीद है प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये गाड़ियां देयरफॉर हमारी जो सेल है वो भी अच्छी रहेगी। और ये साल का ये उम्मीद की जा रही है पूरे, अगर हम मालवीय साल अप्रैल से मार्च की अगर हम बात करें, कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 3.7-3.8 और 3.9 के दरमियान जो है ये सेल होगा, जो एक रिकॉर्ड सेल है। आपको याद होगा कि इसके पहले जो रिकॉर्ड से जो सेल हुआ था, सबसे ज्यादा सेल हुआ था 2018-19 के माली साल में हुआ था, जहां पे ये आंकड़ा 3.35 के करीब था मिलियन। तो ग्रोथ, ये जो साल है, ये उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये तारीख में हिंदुस्तान की जो पैसेंजर व्हीकल की तारीख में ये सबसे ज्यादा सेल होगा, तो हम उस समत में जा रहे हैं। बट ऑफ कोर्स वी हैव टू सी गोइंग फॉरवर्ड कि अगले 3-4 महीनों में एक इस डायरेक्शन में ये बुकिंग्स का ट्रेंड आता है, उससे फिर हमें वाजे हो जाएगा कि साल का जो एंड है वो किस तरह से होगा। जी, एंड सर लास्टली पूछना चाहूंगी, न्यू प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है कुछ, आप अगर हमारे साथ शेयर कर सकें? नए प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि मारुति सुजुकी की तरफ से आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि हम SUV सेगमेंट में और गाड़ियां उतारेंगे। हमने हाल फिलहाल में, इनफैक्ट गुज़िश्ता जो 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 हफ्ता था, उसमें हमने 2 CNG की गाड़ियां पहली बार नेक्सा चैनल में भी उतारी, XL6 और बलिनो के मॉडल्स में, और आगे आने वाले वक्त में इसी माली साल में आप देखेंगे कि हम और SUVs भी मार्केट में उतारेंगे। जी शशांक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कमिंग नंबर्स के लिए, क्वार्टर्स के लिए बेस्ट विशेस।